किचन में बन रही है मलाई बोटी। मलाई बोटी लेने की बनाने के लिए मैंने लिए है आधा किलो चिकन, जिसकी जो बोटियां बनी हुई है जिसकी लिए, और दही है हाफ कप, मलाई है हाफ कप, और धनिया, हरी मिर्ची और पपीते का पेस्ट है ये जो हमने पीस लिया था। गरम मसाला है हाफ टीस्पून, और हाफ टीस्पून नमक है हमारे पास, और हाफ हाफ टीस्पून हमारे पास अदरक लहसुन का पाउडर है, और ये 1 टीस्पून मैंने लिए है काली मिर्च का पाउडर, और हाफ टीस्पून लिया है हमने जायफल जावित्री पाउडर। अब हम इन सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे दही, ठीक है? सबसे पहले हमने इसमें ऐड किया दही। अब हम इसमें ऐड करेंगे मलाई, ठीक है? अब हम इसमें ऐड करेंगे धनिया का, हरी मिर्ची और पपीते का पेस्ट, ठीक है? अब हम इसमें डालेंगे जायफल जावित्री पाउडर, गरम मसाला, नमक, लहसुन अदरक का पाउडर और वाइट पेपर, ठीक है? अब हम इन सबको मिक्स कर लेंगे। अब हम इस सबको मिक्स करके मैरिनेट करने के लिए रख देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। फिर हम तैयार करेंगे अपनी मलाई बोटी। देखें ये अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब हम इसको रख देंगे। देखिए फ्रेंड्स, 1 घंटा हो गया है, हमारी चिकन मैरिनेट हो गई है। अब हम इसको रेडी करेंगे मलाई बोटी बनाने के लिए। आप इस पे सबसे पहले ग्रिल पे ऑयल लगा लें। आप ग्रिल पे ऑयल लगाकर आप एक एक इस तरह से इसके ऊपर बोटी रखते जाएं। आप इसे ऑयल लगाइएगा। अब आप इसे एक तरफ से सिकने दें। जब ये एक तरफ से सिक जाएगी तो हम आपको इसको पलट के भी दिखाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी बोटी एक तरफ से सिक गई है। अब हम इसको पलट देंगे, ठीक है? ये देखें, अब आप इस पे हल्का हल्का ऑयल लगा दें किसी भी चम्मच की मदद से या ब्रश की मदद से, जो आपके पास ब्रश हो या चम्मच। इंतजार करेंगे, फिर हमारी मलाई बोटी रेडी हो जाएगी। देखें फ्रेंड्स, हमारी मलाई बोटी तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हाँ, कमेंट्स करना ना भूलें, और फेसबुक पेज जरूर लाइक करें। अल्लाह हाफिज। आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज कमेंट जरूर करके बताएं कि आपको ये रेसिपी